नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी वे टू लर्न पर। और आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक शुरू करने से पहले इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक जो है, ये पूरा का पूरा टॉपिक रिलेशनशिप पर आधारित होता है। रिलेशनशिप यानी के संबंध, हमें संबंध बताना होता है। स्टेटमेंट में कुछ हमें तीन या चार या दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं और उनके बीच का हमें रिलेशन बताना होता है, और वो रिलेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम से, जिसे बोला गया वेन डायग्राम। अब ये संबंध हम बनाएंगे कैसे और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में समझते हैं। जब भी हमें रिलेशनशिप किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में बतानी हो तो हम क्या करते हैं, तीन मेथड है जिसके द्वारा हम रिलेशनशिप बता सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो मेथड होगा वो होगा ऑल का। ये ऑल क्या होता है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा दूसरे ऑब्जेक्ट में होगा जिसे हम ऑल बोलेंगे। अब धीरे धीरे आगे चल के हम इनको डिटेल में पढ़ते चलेंगे। दूसरा जो संबंध है वो है संपर्क, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर कुछ पार्ट का रिलेशन है तो उसे हम बोलते हैं सम, और ये जो पार्ट है ये सम के रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरा जो पार्ट है वो होता है नो का। नो का मतलब क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच कोई भी संबंध नहीं, इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी संबंध नहीं होगा। अब देखिए ऑल का ये हमने जो डायग्राम बनाया, मैं इसका एक बार एक एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने बोला कि एप्पल और फ्रूट। अब यहां से यदि देखा जाए तो देखिए, मैं बोल सकता हूं कि सारे भी एप्पल, जितने भी एप्पल होते हैं, जितनी भी कैटेगरी के एप्पल होते हैं, जितनी भी क्वालिटी के एप्पल होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं। तो एप्पल से फ्रूट की तरफ ये हमारा रिलेशन बनेगा किसका, ऑल का। यदि मैं ये बोल दूं कि सारे फ्रूट एप्पल होते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। तो ये जो रिलेशन बनेगा ऑल का, ये हमेशा वन वे होता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। जैसे मैं बोल दूं कि ये सारे फ्रूट एप्पल हैं तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। गलत क्यों होगी, क्योंकि फ्रूट में एप्पल भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, बहुत सारे फ्रूट होते हैं। तो यहां पर हम बात करें सम की, मैं बोल देता हूं सम में मैन और टीचर। अब देखिए, हम बचपन से पढ़ते आए और हमारे जितने भी टीचर हैं वो, ये जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे मैन हो सकता है वो वुमेन भी हो। तो मैं मैन से टीचर के बीच रिलेशन बनाऊंगा तो मेरे माइंड में आएगा कि कुछ मैन जो है वो टीचर हो सकते हैं, या फिर टीचर से मैन पे आऊं तो कुछ टीचर मैन हो सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही होगी। तो सम का जो रिलेशन बनेगा वो बोथ साइड से बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के ऑब्जेक्ट की तरफ, तथा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के ऑब्जेक्ट की तरफ। अब बात करें नो की, और नो में हमने किया डॉक्टर और इंजीनियर। अब देखिए, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ही होगा, इंजीनियर नहीं होगा, और जो इंजीनियर है वो केवल और केवल इंजीनियर होगा, डॉक्टर नहीं होगा। तो डॉक्टर से मैं इंजीनियर की तरफ जाऊं तो भी नो का रिलेशन बनेगा, और इंजीनियर से डॉक्टर की तरफ आऊं तो भी नो का रिलेशन बनेगा। तो ये नो का रिलेशन भी जो है वो क्या बनेगा, बोथ साइड से बनेगा, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बनेगा। तो ये जो तीन हमारे रिलेशन थे, ये इस टॉपिक की बिल्कुल न्यू है। यदि हमें रिलेशन का पता ही नहीं कि किन ऑब्जेक्ट के बीच हम किस टाइप का रिलेशन बनाएंगे तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट की। हम तीन ऑब्जेक्ट को लेके कुछ
8 से 10 रिलेशन बनाना सीखेंगे, और ये 8 से 10 रिलेशन यदि आपको आते हैं बनाने और आपके माइंड में है तो आप लाइफ में कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम की जो रिलेशन पर बेस्ड है। यदि बात करें हम तीन ऑब्जेक्ट की, तीन ऑब्जेक्ट को हमने लिया और तीन ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन यदि हम करना चाहे कुछ इस तरीके से, हमें देखिए स्टेटमेंट के साथ साथ डायग्राम से भी पता होना चाहिए कि डायग्राम से उनमें क्या रिलेशन बनेगा, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट दी होती है और चार ऑप्शन में हमें डायग्राम दिए होते हैं, उन डायग्राम में से ही देख के हमें बताना होता है कि उनके बीच क्या रिलेशन बनेगा। तो यदि डायग्राम आए कुछ इस तरीके का, इसका अर्थ क्या हुआ, अंदर वाला सर्कल जो है मैं बोल दूं कि वो ऑल, इनको हमने नाम ले लिया ए बी सी, ऑल ए बी है, मतलब कि ऑल का केस बना ए का बी के साथ, और ऑल का केस बी का बना सी के साथ, तो मैं बोल सकता हूं कि दूसरा जो केस बना वो भी ऑल का बना, और ए जो है वो बी के अंदर है और बी सी के अंदर है, तो ए तो अपने आप कंप्लीटली किसके अंदर होगा, सी के अंदर होगा, तो यहां पर जो रिलेशन बनेगा वो ऑल ऑल और ऑल का बनेगा। फिर यदि हम बात करें एक सर्कल को बाहर ले लें और दो सर्कल को इस तरीके से अंदर रखें, तो यहां पर देखिए ये जो अंदर वाला सर्कल था, इस ए की और बी की बात करें हम, तो ऑल ए इज बी, तो यहां पर बना ऑल का रिलेशन। अब क्या सी का बी के साथ कोई रिलेशन दिखाई दिया, ये तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, तो यहां पर नो का रिलेशन बनेगा। अब सी से मैं ए की बात करूं, सी का जब बी से रिलेशन नहीं बना तो सी का बी के अंदर के ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं बन सकता, ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ये हमारा था फर्स्ट केस, ये था सेकंड केस। थर्ड केस की हम बात करें, अब हमने क्या किया कि तीनों के तीनों सर्कल अलग अलग ले लिए, ए बी और सी। अब ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा तो मैं क्या बोलूंगा, नो का केस बना इनमें। ए का सी से भी कोई रिलेशन नहीं बना तो भी मैं क्या बोलूंगा, नो। और बी का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं बना तो इस सिचुएशन में भी नो। तो यदि डायग्राम इस तरीके का है तो हमें पता होना चाहिए कि इन तीनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर बात करें फोर्थ केस की, फोर्थ केस में हम क्या करेंगे, एक सर्कल को एक सर्कल से अटैच करेंगे और अगला एक सर्कल हम बाहर रखेंगे, तो ये ए बी और सी की बात करें, ए और बी में हमें क्या रिलेशन दिखाई देता है, सम का। अब बी और सी का रिलेशन दिखाई दिया क्या हमें, कुछ भी रिलेशन नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, नो। और ए और सी का भी कोई रिलेशन नहीं तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, नो। अब हम बात करें फिफ्थ केस की, फिफ्थ केस में हमने क्या किया कि एक सर्कल से दोनों सर्कल थोड़े थोड़े पार्ट में हमने इसमें ओवरलैप कर दिए। इसका अर्थ देखिए क्या होगा, यदि ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब मैं बोल दूं कि ए का कुछ पार्ट सी है और ए का कुछ पार्ट बी है, तो यहां पर ए का रिलेशन सी से सम का बना और ए का रिलेशन बी से भी सम का बनेगा, लेकिन सी और बी का कोई रिलेशन नहीं दिया गया तो ये बन जाएगा नो का। ये हुए हमारे पांच रिलेशन। आइए पांच और देखते हैं, जो सिक्स रिलेशनशिप होगा उसके लिए डायग्राम देखिए बच्चों बनेगा ये। सिक्स्थ की बात करें हम, तो हमने तीनों पार्ट का मिक्सअप कर दिया और तीनों का कुछ ना कुछ पार्ट आपस में मिक्स हुआ, तो ये केस कौन सा बनेगा, सम का। यदि हमें इसके नाम दे दिए जाए ए बी सी, तो देखिए ए का कुछ पार्ट बी में है सम बन गया, बी का कुछ पार्ट सी में है सम बन गया, और ए का कुछ पार्ट सी में है तो क्या बन गया, सम बन गया। अब बात करते हैं सेवंथ रिलेशन की।
सेवंथ रिलेशन में दिया गया कुछ इस तरीके का डायग्राम। तो अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि ये डायग्राम कौन सा बना। अब देखिए, मैं अंदर वाले ऑब्जेक्ट की बात करूं, बाहर वाले से नाम दे देते हैं हम ए बी और सी। सारे ए क्या है, बी है, और कुछ बी क्या है, सी है। तो यहां ए से बी अगर जाए हम तो ये बनेगा ऑल, और बी से सी जाए तो बनेगा सम, और ए और सी की बात करें तो यहां पर तो रिलेशन बनेगा ही नहीं, तो क्या होगा, नो का। ये हुआ हमारा सेवंथ रिलेशन। बात करते हैं एट्थ रिलेशन की। आठवें रिलेशन में कुछ इसी तरह का रिलेशन दिया जाता है और उसका डायग्राम जो है वो इस तरीके से बनता है। हमने फिर से नाम दिया ए बी और सी। अब ऑल ए इज बी, तो ऑल का बनेगा, यहां से बना ऑल। फिर देखिए, सी का पार्ट ए के अंदर भी आया, लेकिन कुछ पार्ट आया, और सी का कुछ पार्ट बी के अंदर भी आया, तो सी का ए से और सी का बी से सम का रिलेशन बनेगा, तो ये हुआ सम और सम। तो ये हुआ हमारा आठवां रिलेशन। नाइन्थ रिलेशनशिप के डायग्राम की बात करें, ये अब जो नाइन्थ और टेंथ हम करेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो जो है कुछ इस तरीके का डायग्राम है। अब इसमें देखिए, अंदर के जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनका बाहर वाले ऑब्जेक्ट से ऑल का रिलेशन, मैं बोल दूं कि ऑल ए इज सी तो बात बिल्कुल सही होगी, यहां पर होगा ऑल। मैं बोल दूं कि ऑल बी इज सी तो ये भी बात बिल्कुल सही होगी, तो यहां पर भी केस बनेगा ऑल का। अब ए और सी के बीच में क्या रिलेशन बना, कुछ भी रिलेशन नहीं, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, नो का रिलेशन आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, यहां पर मेंशन भी कर देता हूं कि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अब जो एक टेंथ है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। देखिए बच्चों, कुछ इसी तरीके का डायग्राम है ये भी। यहां पर ए और बी अलग अलग थे, लेकिन यहां ए और बी का पार्ट मिक्स कर दिया और ये दोनों के दोनों पार्ट सी के अंदर हुए। तो अब हम बात करें उसी टाइप से, ऑल ए इज सी, इसमें भी ऑल ए इज सी होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल का केस हुआ। ऑल बी इज सी बिल्कुल सही है, ऑल का केस हुआ। अब ऊपर और नीचे वाले में क्या अंतर है, अंतर यह है कि यहां पर ए और बी एक दूसरे से अलग अलग थे और इसमें ए और बी एक दूसरे से मिक्सअप हुए, लेकिन मिक्सअप सारे नहीं हुए, कितने हुए, केवल कुछ भाग में हुए, तो ये हमारा बनेगा सम का केस। तो बच्चों, हमने ये 10 रिलेशनशिप के डायग्राम सीखे और इन 10 डायग्राम से हटके एग्जाम में कोई भी डायग्राम नहीं होगा, चाहे आप किसी भी ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में वेन डायग्राम से रिलेटेड ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और उससे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच पाए।